अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मैं हूं एजाज अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिस्ट एजाज अहमद। स्टूडेंट्स आज जो है हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं अपना, दैट इज अबाउट रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली डिफरेंट एटम से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा 18.1 टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स हमने इतना मजीद डिटेल में तो नहीं जाना, जस्ट इसके कुछ पार्ट्स देखने और स्ट्रक्चर को देखना है। जस्ट स्टार के ऊपर जे.जे. थॉमसन जो है उसने प्रपोज किया, उसने आइडिया दिया कि जो आपका एटम है वो बेसिकली एक आप समझ लें कि एक प्लेट है या एक आपका स्फीयर है या कोई एक चीज है यानी प्लेट है जिसके अंदर पूरी की पूरी वो प्लेट जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और उसके ऊपर सिंपली आपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो क्या क्या होता है हैंग किया होता है, यानी कि ये सारे का सारा जो एरिया है वो उसका फिल होता है पॉजिटिव चार्जेस के, पॉजिटिव चार्ज से, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो है वो हैंग किए होते हैं, फ्लम किए होते हैं। बट ये जो जे.जे. थॉमसन का आइडिया था, इस आइडिया के अंदर उसने बेसिकली जो है वो क्या किया कि जस्ट एंड जस्ट इलेक्ट्रॉन को जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया और इलेक्ट्रॉन का बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, इसके बारे में जे.जे. थॉमसन ने सारा हमें बताया। आफ्टर दैट जे.जे. थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने काम किया और इसने थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर काम किया। इस एट के न्यूक्लियस जो होता है या एटम जो होता है, एटम जो है वो ज्यादातर क्या होता है, खाली होता है, सिर्फ उसका एक सेंटर पार्ट होता है जहाँ के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज होता है और वो सेंटर वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे तमाम मैस ऑफ द एटम जो होता है वो कंसंट्रेट कर रहा होता है। ये सारी वर्किंग जो थी वो रदरफोर्ड की थी। रदरफोर्ड के बाद स्टूडेंट्स इन 1932 जेम्स चैडविक जो है उसने चैडविक ने एक इंग्लिश फिजिस्ट था ये, और इसने जो है वो न्यूट्रॉन को जो है वो साथ में ड्राइव किया तो या डिफाइन किया। इसने रदरफोर्ड ने जो है बेसिकली वो प्रोटॉन के ऊपर काम किया, प्रोटॉन इसको मिला, सेंटर पार्ट जो था वो पॉजिटिव जो था, न्यूक्लियस का उसने इसको नाम दिया। तो बेसिकली जो हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे कि बेसिकली एटम है क्या चीज है। तो नंबर वन है हमारे पास के एटम। तो स्टूडेंट्स एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट मैटर ऑफ यूनिट। तो बेसिकली एटम जो है वो क्या है कि आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन मैटर है और इट इज कंसिस्ट ऑफ, ये जो है वो बना होता है आगे इसकी कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कंसिस्ट ऑफ नंबर वन स्टूडेंट्स क्या होता है, ये किसका बना होता है, इसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये डिफरेंटली इन सारी चीजों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। तो एटम इज जो है वो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होता है, सेंटर के ऊपर इसका न्यूक्लियस होता है जिसके अब सराउंड किया होता है इसको इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है कि न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जिस पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम जो है वो एक ऑर्बिट का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पार्ट होता है इसका, न्यूक्लियस एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते के ऊपर रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसको हम जो है वो ऑर्बिट का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर मजीद कंस्ट्रक्शन है। तो न्यूक्लियस जो है वो कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके बना होता है। तो इसके रिलेटेड स्टूडेंट्स इन सारी कंस्ट्रक्शन, इन सारे जो पॉइंट्स होते हैं इनके बेस के ऊपर सम हम डिफाइन करते हैं कुछ इसकी जो है वो चीजें जो कि हम डिफरेंट क्वांटिटीज है जो कि आगे हम इनको यूज भी करेंगे उनको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो इसमें एक चीज है स्टूडेंट, साइज ऑफ दी जो एटम होता है या साइज ऑफ एटम जो है वो कितना है हमारे पास, ये याद रखेंगे साइज ऑफ एटम या इसका डायमीटर जो होता है वो अबाउट जो है अप्रोक्सीमेटली 10^-10 जो है वो मीटर होता है और साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो अप्रोक्सीमेटली जो है 10^-15
मीटर। ये स्टूडेंट्स आप फॉर एमसीक्यूज इन चीजों को जो है वो याद रखेंगे। इसके अंदर जो है वो आपके प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के जो है वो दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये भी आप याद रखेंगे। इनका चार्ज वो होता है 1.6 मल्टीप्लाइड है इसमें -19 कूलम और पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, और इनका जो मास होता है वो जो है वो 1.672 मल्टीप्लाइड है इसमें -27 किलोग्राम होता है। इसी तरह से इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो 0 होता है और इनका मास जो है अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है 1.672 मल्टीप्लाइड है इसमें -27 किलोग्राम, तकरीबन इन दोनों का मास जो है वो इक्वल होता है। लास्ट आपके पास चीज बनती है दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का याद रखेंगे चार्ज जो है बिल्कुल यही चार्ज होता है जो प्रोटॉन का होता है बट नेगेटिव होता है, 1.6 मल्टीप्लाइड है इसमें -19 और जो इनका मास होता है वो एज कंपेयर्ड स्मॉल होता है 1.9.1 मल्टीप्लाइड है इसमें -31 किलोग्राम। तो ये बेसिकली इनके कुछ पार्ट्स हैं जिन पार्ट्स का हमने जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये आप याद रखेंगे इनका मास इनका चार्ज जो है वो बेसिकली क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव होता है, बट न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, इसका कोई भी चार्ज जो है इसके ऊपर नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो ये इसकी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कि आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। यहां से हम वर्ड चलते हैं जिसमें हम वर्ड है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड डिनोटेड बाय जी। तो नंबर वन है कि जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वो तादाद जो है वो उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और एटॉमिक नंबर को जो है वो जी के साथ लिखा जाता है। दूसरा नंबर दूसरी चीज है इसमें दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम, या इसको हम जो है वो न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर, या इसको जो है वो हम एटॉमिक मास एंड डिनोटेड बाय ए के साथ जो है वो इसको लिखा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये दो डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर जो है वो क्या चीज है और जो है वो एटॉमिक मास वो क्या चीज है, ये दो डेफिनेशन आप जो है वो याद रखेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए स्टूडेंट्स, ये जो ए है ये बेसिकली आपके पास 400 ग्राम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि n अगर फाइंड करना हो तो n बेसिकली हमारे पास a इज इक्वल टू होता है आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस z, z जो है उसका एटॉमिक नंबर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n, n को अगर फाइंड करना z को इधर लेके आए तो n विल बी इक्वल टू जो है वो a माइनस z, यहां से जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी फाइंड किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करें तो वहां से आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ जाए। इसके साथ एक चीज है स्टूडेंट्स दैट इज सिंबल कि एटम को जो है वो सिंबॉलिकली किस तरह से लिखा जाता है। तो एटम को सिंबॉलिकली लिखने के लिए स्टूडेंट्स जो मेथड होता है वो ये है, ये एक्स ये बेसिकली इसका जो है वो सिंबल होता है, सिंबल के ऊपर जो एटॉमिक नंबर होता है यानी जी और जो मास नंबर आपके पास होता है दैट इज ए। लाइक अगर आपके पास यूरेनियम है तो यूरेनियम जो होता है वो 92-238 तो 92 इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है उसका ऊपर लिखा जाता है, इसकी मदद से जो है वो सिंबॉलिकली भी एटम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली मेथड है एटम की जो है वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन का।
स्टूडेंट्स इसके साथ ही एक स्मॉल टॉपिक है हमारा दैट इज 18.2 बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है आप इसलिए उसको जो है यहाँ पे इसके साथ ही करेंगे दैट इज आइसोटोप्स। कुछ एटम्स या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट मास नंबर उनका जो होता है वो चेंज होता रहता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। स्टूडेंट्स आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट मीन्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट जो उनका मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हम इनके एग्जांपल में देखें तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं इनमें एक होता है H11, H12, H13। इसको हम जो है वो प्रोटियम, ये ड्यूट्रियम और ये जो है होता है ट्रिटियम। देखें एटॉमिक नंबर Z11 और 1 एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है सेम है लेकिन मास नंबर पहले का 1 इसका 2 और इसका कितना है 3। तो आइसोटोप जो होता है स्टूडेंट वो डिफाइन होता है किसके बेस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बेस पर क्योंकि इन सभी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एक और एक इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक है कोई भी नहीं है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 2 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि आइसोटोप्स भी डिफरेंट उनका मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास होता जो उनका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है सेम होता है। तो इसी बेस के ऊपर स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा बता देते हैं कि बेसिकली आइसोटोप जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो आइसोटोप जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम रहती हैं जबकि उनकी जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनकी डिफरेंट होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनकी सो स्टूडेंट्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी वो डिफरेंट होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी सेम रहती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफर करती हैं। इसका मतलब ये है तो जो किसी भी पार्टिकल या किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन होती है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो उसको बेसिकली एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती है बट एटम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था छोटा सा जिसमें कि आइसोटोप्स को हमने डिस्कस किया। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी मौजूद हैं डिफरेंट आइसोटोप जैसे हमने हाइड्रोजन का लिया है इसी तरह से यूरेनियम का होता है यूरेनियम 92-234 यूरेनियम 92-238 यूरेनियम 92-235 इसी तरह से कार्बन 6-12 होता है कार्बन 6-14 होता है कार्बन 6-13 होता है। तो ये डिफरेंट जो है वो आइसोटोप डिफरेंट एलिमेंट्स के मौजूद होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एटम को पढ़ा एटम की कंस्ट्रक्शन देखी उसके पार्ट्स देखे उनके जो करेक्टरिस्टिक है थोड़े से वो देखे देन हमने जो है वो आइसोटोप को भी रीड किया। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।